हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम मैप एंड ग्राफ रीडिंग का पार्ट थ्री देखने वाले हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो ये क्वेश्चंस हैं: शिवालिक रेंज, लेसर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया और थार डेजर्ट। और अगर आपने दो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप वो दो पार्ट भी देख लीजिए। जितने भी वीडियोस मैप करेंगे आपको सभी करना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो 14 मार्क्स है वो स्कोर करने में आपको इजी पड़ेगा। थ्रू आउट द वीडियोस आपको नॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, बैकग्राउंड की नॉइस आपको ज्यादा सुनने को मिल सकते हैं, तो प्लीज उसके लिए सॉरी रहेगा और आप प्लीज उसको थोड़ा सा समझ के चलिए। और दूसरी बात है कि फर्स्ट पार्ट को आपने लाइक किया, सेकेंड पार्ट को थोड़ा सा कम कर दिया है लाइक, थर्ड पार्ट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं पहले शिवालिक रेंज किस तरह हम मार्क करेंगे। तो ये है, देखिए शिवालिक रेंज और लेसर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ये सब के सब हिमालय के जो बड़े बड़े जो माउंटेन्स उसमें आते हैं। दूसरी बात या पहली बात ऐसा समझिए कि हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप जानते भी रहोगे। हिमालय बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ों की लाइन है जिसको रेंज बोला जाता है। और उसमें भी हुआ क्या है कि जो आगे के जो माउंटेन्स हैं वो छोटे छोटे हैं, आगे के माउंटेन्स जिसको शिवालिक बोला जाता है, फिर उसके ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा ऊपर, मतलब उसके आगे जो है वो उससे थोड़ा सा बड़ा है जिसको आप बोल सकते हो लेसर हिमालयस, और उसके आगे अगर आप चलोगे तो और बड़े हैं थोड़ा सा ग्रेटर हिमालयस, और आगे चलो चलोगे तो और बड़े बड़े हैं, ऐसा समझेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में कुछ जो माउंटेन्स हैं उनके रेंजेस आपको दिखाई देगा। तो सबसे आगे जो रेंजेस रहेंगे उसको बोलेंगे शिवालिक, उसके ऊपर वाले, उसके आगे वाले जो रहेंगे वो लेसर रहेगा, उसके आगे जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, और एकदम आगे जो रहेगा वो ट्रांस रहेगा, जो आपको सिर्फ लद्दाख इस एरिया में दिखाई देगा। यहाँ पे भी है चाइना में, पर वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ इंडिया में बताना है। उसी तरह हमको ये नेपाल भी छोड़ देना है और ये भूटान भी छोड़ देना है। तो हमको हमारा जो इंडिया का ये पार्ट है ये लेना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट लेना है, और यहाँ पे ये सारे स्टेट्स अपने को कवर करना है। तो चलिए देखते हैं कि शिवालिक रेंज जो सबसे आगे है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो जब हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि शिवालिक रेंज जो है शुरुआती जो माउंटेन शुरू होता है हिमालय का, वो शिवालिक रेंज से शुरू होता है और वो यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ तक ही हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके आगे है वो नेपाल में भी है, पर हमें नेपाल में नहीं चलना है और ना ही भूटान में चलना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आप पेंसिल ले लीजिए और यहाँ से शुरू करिए। तो आप यहाँ से शुरू करोगे ऐसा लाइन बनाने को, और यहाँ तक आ जाओगे नेपाल के बाजू तक, और थोड़ा सा नीचे भी चल रहे स्टेट के, और ये पूरा यहाँ तक कवर करोगे। इस तरफ पाकिस्तान में भी है तो वो हमको नहीं लेना है। फिर जब इतना हो जाएगा तो ये शिवालिक रेंज है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेड देना पड़ेगा। तो चलिए हमने इस तरीके का शेड किया, उसको डार्क कर दिया, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये है शिवालिक रेंज। लेकिन आप जानते हो कि शिवालिक रेंज सिर्फ यहीं तक नहीं है, नेपाल के अंदर भी आया है, और नेपाल के बाद इस एरिया में भी आया जो इंडिया का पार्ट है बांग्लादेश के ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इतना सा छोटा सा बना के सेम शेड कर देना है, जो वो भी शिवालिक रेंज का पार्ट बन जाएगा। और वही आप इस तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी आओगे तो इस तरफ भी आपको वो दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये भी शिवालिक रेंज हमने एक को नेम दिया है, क्वेश्चन नंबर वन किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन में पूछा था। तो ये हो गया शिवालिक रेंज। इसके बाद अगर आप देखते हो तो आपसे लेसर हिमालयस बोला है और वो जस्ट इसके ऊपर है, आप जानते हो। तो शिवालिक रेंज में जितने भी माउंटेन आएंगे हिमालय के, वो उनके जो हाइट होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, अल्टीट्यूड उनके कम होते हैं, और उससे ज्यादा होते हैं इसके आगे वाले लेसर हिमालयस में। तो उसके लिए हमको यहाँ से शुरू करना है, और इस तरीके से आप देख लीजिए इस तरीके से बनाना है, और नेपाल की इस तरफ नहीं आना है, और यहाँ पे चल के यहाँ तक आना है। और इसके बाद फिर इसको भी हमको क्या करना है, शेड करना है। तो कोई अलग कोई भी शेड ले लीजिए, डिफरेंट रहना चाहिए इससे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हर एक का जो शेड रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको डॉट बना लेते हैं, और फिर आगे के जो डॉट है वो समझिए फटाफट बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जब डॉट बन जाएगा तो ये एक अलग शेड मिल जाएगा, और ये है लेसर हिमालयस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेसर हिमालयस, और फिर लेसर हिमालय नेपाल में भी आता है आप जानते हो, लेकिन इसमें भी आएगा तो इसमें इसके जस्ट ऊपर रहेगा क्योंकि शिवालिक के ऊपर है। तो यहाँ पे भी शिवालिक के ऊपर आप इतना बना दीजिए, उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी आप इतना बना दीजिए, थोड़ा सा पार्ट अभी भी बच रहा है। तो ये हो जा रहा है आपका लेसर हिमालयस। फिर लेसर हिमालयस के बाद अगर आप देखते हो तो आपको ग्रेटर हिमालयस बनाना है। तो ग्रेटर हिमालयस इसके ऊपर है और थोड़ा सा यहाँ से है, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। थोड़ा ऊपर से देखिए, लद्दाख का भी एरिया लिया है और नेपाल का पूरा आ जाएगा, नेपाल के पहले का पूरा आ जाएगा, और यहाँ से पूरा यहाँ लेके आप यहाँ तक पूरा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ग्रेटर हिमालयस। तो इसको भी हमको क्या करना है, शेड करना। तो इसके लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
तो देख लीजिए इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए पूरा का पूरा यहाँ तक, जिससे आपका ग्रेटर हिमालय एक अलग शेड मिल जाएगा उसको। और फिर आप जानते हो कि फिर इसके ऊपर भी आएगा इतना पार्ट, इतने पार्ट को भी चलिए लिख लेते हैं पहले कि ये है ग्रेटर हिमालयस। फिर इतने पार्ट को भी क्या करते हैं, ग्रेटर हिमालयस को बता देते हैं, इतने पार्ट को भी ग्रेटर हिमालयस बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है लाइन की, यहाँ पे थोड़ा कम है, स्पेयर्स है, तो इसको थोड़ा सा डेंस कर देते हैं, तो थोड़ा सा हम इतना कर लेते हैं, तो थोड़ा दिखने में सेम रहेगा। तो ये है ग्रेटर हिमालयस। तो शिवालिक रेंज हो गया पहले, उसके आगे है सेकेंड नंबर पे लेसर हिमालयस जो हमसे पूछा था, उसके आगे है थर्ड पे ग्रेटर हिमालयस, और उसके बाद हमसे ट्रांस हिमालयन बोला है। तो ट्रांस हिमालयन इतने पे ही आएगा, यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो हमारा कंट्री है भी नहीं। तो हमारे कंट्री में जितना आ रहा है वो पूरा लद्दाख एरिया कवर कर ले रहा है। तो इसके बाद आपसे ट्रांस हिमालयन रेंजेस पूछा है। तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस के लिए अब यहाँ पे आउटलाइन ही बना रहा हूँ, क्योंकि इतना जो पार्ट बचा है इंडिया का उसके अंदर आपको एक अलग शेड ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस ले लिया है, कोई भी शेड लीजिए लेकिन वो अलग होना चाहिए, आप याद रखिए। और आपको पेंसिल या कलर पेंसिल यूज करना है, स्केच कलर ये सब यूज नहीं करना है। स्टूडेंट्स जाने से पहले आप टीचर से भी सब कुछ कंफर्म कर लोगे जो ज्योग्राफी के आपके टीचर होंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि ये है ट्रांस हिमालयन रेंजेस, और वो इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि पूरा कवर हो चुका है। तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस के बाद फिर आपसे पूछा है पेनिनसुला रीजन ऑफ इंडिया। तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा मैप पूरा एकोमोडेट नहीं हो पाएगा स्क्रीन में, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं इस तरीके से। और पेनिनसुला पार्ट आप जानते हो कि जो आप पता है कि इस तरफ से आया है, फिर टकराया है, फिर ये हिमालय बना है। तो पेनिनसुला पार्ट आपको यहाँ से शुरू करना राजस्थान से। तो 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सब ड्रॉ कर सकते हो। तो पेनिनसुला के लिए हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे। आप कौन कौन सा स्टेट कवर हो रहा है वो आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न घाट उसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आप देखते रहिए कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन से स्टेट को किस किस तरह, राजस्थान में भी आ गए हैं इतना। तो ये जो पार्ट है ये आपका पेनिनसुला पार्ट है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग शेड देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। आप इतना जो डेंस है आप उसको स्पेयर भी कर सकते हो, बीच में बहुत बड़े गैप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल है। फिर इसके बाद आप इसको नेमिंग कर देते हैं पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज उसको आप इग्नोर करते चलिए। तो 5 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट होता है, एक बचता है वो है थार डेजर्ट, जो आप देखोगे तो राजस्थान में आएगा, थोड़ा सा पार्ट उसका गुजरात में भी आता है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से रेंज बना ले, इस तरीके के मतलब डिवीजन कर लेना, इस तरह बना लीजिए। और यहाँ पे फिर एक अलग शेडिंग करना है, तो हमने इसको ऐसा डॉट 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 लाइन बना दिया है। आप जो भी शेड करना चाहो आप कर सकते हो, याद इतना ही रखना है आपको कि सारे जो शेड्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए दूसरे से, सो दैट इंडेक्स में हम क्लियरली बता सके कि किस तरह कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ पे हमने मार्किंग किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थार डेजर्ट, और इस तरीके से आपका पूरा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाता है इंडेक्स, लेकिन मैं इस वीडियो में इसका इंडेक्स नहीं बनाने वाला हूँ। आप इंडेक्स खुद बनाइए, चेक करिए इसके अगले वीडियो में, या तो इंडेक्स हाँ या तो नहीं, इसके अगले वीडियो में इंडेक्स के साथ शुरू करेंगे इसका, या तो कम्युनिटी पोस्ट में हम क्या करेंगे, एक इमेज, या मैं क्या करूंगा एक इमेज पोस्ट कर दूंगा जिसके अंदर इंडेक्स बना रहेगा, जहां पे आप चेक कर सकते हो। या आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आप खुद ही कर सकते हो इंडेक्स, या आपको इंडेक्स का एक सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन कहाँ पे चाहिए, वीडियो के अंदर चाहिए इसके बाद वाले पार्ट 4 पे, या इसी मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे चाहिए एलीट ट्यूटर्स बुक सोल्यूशन के चैनल पे। तो चलिए प्लीज जाने से पहले बस रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक जरूर करते चलिए, और तभी इसके बाद 4th पार्ट जरूर आ जाएगा। हर दिन एक पार्ट बन जाएगा। आप फिर भी जानते हो कि मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब बनाना, टाइम बहुत चला जाता है, लेकिन आप अगर लाइक अच्छे से करते हो, कमेंट्स करते हो, शेयर करते हो, तो जरूर इसके आगे के पार्ट फटाफट जल्दी जल्दी आपको मिलते ही रहेंगे। ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।